अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सत्तू के पराठे जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। तो सत्तू बहुत ही हेल्दी होता है, इसे हम बहुत तरीके से खा सकते हैं। तो इस तरह से पराठे में भी खा सकते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। गर्मियों में सत्तू खाना अच्छा होता है, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और एनर्जी भी बहुत होती है इसमें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस चीज़ों को मिक्स किया और बस बनाना स्टार्ट हो जाता है। तो झटपट से बनके ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाता है। तो आसान है, हेल्दी है, टेस्टी है, तो इसे ज़रूर बनाएं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, फैमिली और फ्रेंड्स में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें करीब 2.5 कप हम ऐड करेंगे सत्तू। तो सत्तू ग्रोसरी शॉप में बहुत आसानी से मिल जाता है आपको, अगर वहाँ नहीं मिले तो ये ऑनलाइन भी काफ़ी आसानी से मिल जाता है, तो आप कहीं से भी इसे ले सकते हैं। और चने का सत्तू है, ये भुने हुए चने का आटा होता है, अगर आपको सत्तू नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 2.5 कप ले लिया सत्तू। अब इसमें हमने देखिए करीब 4-5 टेबल स्पून हमने बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून देखिए ये वाला जो बड़ा टेबल स्पून होता है, चाय का चम्मच जो एक बड़े साइज़ का होता है, और इस तरह से बारीक सा काटना है या तो आप कद्दूकस कर लें। और 2 ही टेबल स्पून हमने यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च, और 4 से 5 टेबल स्पून हमने बारीक कटी हुई प्याज ले ली। और ये सारी बस हरे मसाले में इतना ही कटिंग इसमें बारीक काट के ऐड करना है, ये हमने सब डाल दिया इसमें। और अब इसमें ऐड करेंगे करीब 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून हम इसमें कलौंजी ऐड करेंगे जिसे मकरेला बोलते हैं, खड़ी साबुत इस तरह से ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे हमने अचार लिया है। तो ये जो लाल मिर्च वाला अचार होता है तो ये पुराना है, इसलिए थोड़ा काला काला दिख रहा है, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होता है पुराना होने पे। ये हम पूरी 1 मिर्च इसमें ऐड करेंगे। इसमें बहुत सारे जो मसाले होते हैं उसका फ्लेवर और थोड़ी मिर्च और थोड़ी खटाई होती है। अगर आपके पास भरवा मिर्च नहीं है तो इसके जगह पर आप आम का अचार का मसाला भी 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। तो सभी मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें थोड़ी बाइंडिंग सी आ जाए। तो पानी एकदम से ज़्यादा आटे की तरह से इसे नहीं गूंदना है, इतना आटा पानी इसमें ऐड करेंगे कि ये थोड़ा सा बाइंड सा होने लगे, जैसे हम मोयन लगाते हैं आयल का घी का आटे में, इस तरह से इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि जब हम इसकी मुट्ठी में बनाएं तो ये हमारे मुट्ठी में जैसे सिमटा हुआ एक गोला सा बनने लगे। तो इतना ही अंदाजे से इसमें पानी ऐड करना है, देखना ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए पानी। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बाइंड हो रहा है, इसमें हल्की सी नमी आ गई है, तो बस इतना ही करना है। तो सत्तू की फिलिंग हमने रेडी कर ली है, सारे मसाले। यहाँ पे हमने डो तैयार किया है करीब 3 से 3.5 कप का, और इसमें 1 टीस्पून नमक हमने ऐड किया सिर्फ और हल्का सा, और एक सॉफ्ट डो तैयार किया है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट नहीं रहेगा तो हमारे पराठे अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे अपने डो में से हम एक बड़ा साइज़ का पोर्शन लेंगे। तो नरम डो है तो इसका बेनिफिट हम आपको आगे दिखाते जाएंगे कहाँ कहाँ आता है। तो देखिए जैसे हम इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से राउंड करेंगे तो एक गोल सी कटोरी जैसी बन जाएगी। ये नरम डो है इसलिए इसका कटोरी बहुत आसानी से बन गई। और अब इसमें हम सत्तू की फिलिंग भरेंगे इस तरह से, देखिए जितनी इसमें आसानी से आ जाए उतनी भरना है, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, और हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अपने डो को इस तरह से चारों तरफ से उठाएंगे, नरम डो है तो ये कितनी आसानी से ऊपर आता जाएगा। फिर उंगलियों से प्रेस करेंगे और इस तरह से चारों तरफ से करके इसका मुँह अच्छी तरह से लॉक देंगे। तो आटा जब हमारा डो नरम होता है तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं कि बहुत ही आसानी से पराठे बनते जाते हैं। अब हाथों से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अपने जब हम बेलेंगे अपने रोटी को अपने पराठे को तो बहुत ही हल्के हाथ से इसे राउंड राउंड करना है, और हल्के हाथ से हमारे पराठे अच्छे से बढ़ते जाएं इसके लिए नरम डो है तो इसका बेनिफिट हमको यहाँ पे मिलता है। बहुत हल्के हाथ से हम राउंड राउंड करेंगे और इस तरह से हमारे पराठे बहुत ही आसानी से बड़े हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आटा अगर से यहाँ पे टाइट हो गया तो हमें ताकत लगा के इसे बेलना पड़ेगा थोड़ा सा हाथ टाइट करके, तो बस वहीं पर हमारे पराठे फट जाते हैं। तो ये हमारे पराठे बिल गए हैं और बहुत अच्छी तरह से बिल गए हैं, फटे नहीं हैं। यहाँ इसकी फिलिंग थोड़ी सी भरभरी होती है, सूखी होती है तो बहुत जल्दी फट के निकलने का डर होता है, इसलिए नरम आटा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तवा हमने गर्म कर लिया है और मीडियम सा, और इसमें हम डाल देंगे, एक तरफ से हल्का सा कलर चेंज जैसे हो जाएगा तो इसे हम पलटेंगे। और अभी देखिए इस तरह से ऊपर से दिखने लगा है, जिस तरह से ये थोड़ी सी पकी हुई रोटी होती है, तो चेंज कर देंगे इसके साइडों को। अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे, तो ऑयल हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लगाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से ही, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जायका इसमें टेस्ट मस्टर्ड ऑयल का ही आता है।
और इस तरह से कच्ची रोटी पर ही, पराठों पर ही हम तेल लगाएंगे तब, तो ये हमारा कच्चा तेल साथ साथ कुक होता जाएगा, इसके साथ ही ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी सी बनेगी। तो आपने पराठों को ज़्यादा कुक नहीं करें और कच्चे में ही इस तरह से दोनों साइड में अच्छे से ऑयल लगा दें। और अब दोनों साइड से जब अच्छी तरह से ऑयल लग जाए तो एक आप मेटल का स्पैचुला लें और इस तरह से प्रेस कर करके इसे खूब क्रिस्पी सा सेक लें। तो इसे आप छोड़ के नहीं सेकें, इस तरह से प्रेस कर करके सेकेंगे तो ये काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छा टेस्टी बनता है, काफ़ी चारों तरफ से अच्छे से सेक भी जाता है और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है। और इस तरह से जब हम छोड़ के इसे फ्राई करेंगे, सेकेंगे, तो ये एक तरफ से किनारों से थोड़ा कच्चा रह जाएगा और बीच से थोड़ा जला जला सा हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेस करने पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इस तरह से प्रेस करके ही इसे सेकें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पराठा कितनी अच्छी तरह से सेका है। तो इस तरह से प्रेस करने पर हमारा बहुत ही क्रिस्पी सा, बहुत ही टेस्टी सा पराठा तैयार है। तो बस इसी तरह से सारे पराठों को अपने तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सत्तू का पराठा कितना इजी है। तो आप जब इसे बनाएंगे तो इसके टेस्ट का भी अंदाज़ा होगा, ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो गर्मियों में ज़्यादा बनाया जाता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और इसके हेल्थ बेनिफिट लें, इसका जायका लें और हमें फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसे बहुत सारी चीज़ों से सर्व कर सकते हैं, ये सभी के साथ बहुत मज़े का लगता है। जैसे ये अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के साथ, हरी चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ। आम का सीज़न है, उसको छोटे छोटे से क्यूब्स काट लें और उसके साथ सर्व करें, उसके साथ खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। बहुत सारे अचार है, जैसे भरवा मिर्च का अचार, आम का अचार, मिर्च का अचार, जो भी अचार आपको पसंद हो उसके साथ ये सब सर्व किया जाता है और सबके साथ ये बहुत मज़े का लगता है। तो ये आसान और टेस्टी और यूनिक रेसिपी है। अगर अभी तक आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले रेसिपीज़ के अपडेट के लिए। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।